हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आपका जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है या स्टेट का सर्टिफिकेट है, अगर वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि अब यूजीसी के फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका इस वक्त सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन भी नहीं सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो सेंट्रल का ही अपडेट करें। अगर आपके पास सेंट्रल का बन सकता है तो बनवाकर सेंट्रल का अपडेट करें। अगर मान लीजिए किसी कारण बस ना आपका बन सकता है, ना आपके पास है और ना आपके पास अभी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी है, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, उस पर मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ बात करूंगी। तो सबसे पहले जो लास्ट डेट है वो आपकी है 28 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और 29 अक्टूबर तक आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। पहली बात यह है गाइस कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो लिस्ट है आपकी ओबीसी की सेंट्रल वाली, अगर आप उस लिस्ट में आते हैं और आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट का ही है, तो आप उसको लगा सकते हैं। आप उस लिस्ट में ज़रूर आने चाहिए जो सेंट्रल की लिस्ट है। अगर मान लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल का, तो भी आप यहाँ पर अपना स्टेट का सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भर दीजिए। अगर आप सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते हैं तो फिर आप अपने आप को एज ए जनरल कैटेगरी ही चूज करिएगा, और आप आते हैं तो आप यहाँ पर ओबीसी एनसीएल चूज करिएगा। सेंट्रल लिस्ट जो है वो आपको आपकी वेबसाइट से मिल जाएगी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं आपके ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका चाहे जिस भी कैटेगरी जहाँ से भी आपने बनवाया है, आपका जब तक नहीं बन जाता है तब तक आप इसी को ही लगा दीजिएगा जैसा भी आपके पास है। इस वजह से फॉर्म को ना भरें, है ना, कि अगर मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में नहीं, फिर भी आप जनरल का लगा दीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में फॉर्म भरिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फॉर्म को गाइस जरूर भरिए, क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने से आपको सिर्फ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस का या अदर कोई, लेकिन कम से कम आप फॉर्म में अपीयर तो ही हो पाएंगे। तो इसलिए आप फॉर्म को ज़रूर भरें। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात यूजीसी ने इस बार कही है, हर बार बताता है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप उस बस लाइन को पढ़िएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे रीज़न जो है कि एनटीए, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है, एनटीए डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाई द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नॉर वेरीफाई एनी सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो एनटीए इसमें से किसी भी चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है, आपको बस ये सर्टिफिकेट मांगे गए जाते हैं ताकि आप इसको लगा दें। जब आप इस सर्टिफिकेट को आगे कहीं यूज़ करेंगे उस समय आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जब आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप अभी क्या करें कि सबसे पहला जो काम है वो अपना फॉर्म को फिल करने पर ध्यान लगाएं। फॉर्म फिल करना सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी। अगर आपके पास ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट में है और स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आप स्टेट का लगा के फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आपके पास ईडब्ल्यूएस का स्टेट का, आप स्टेट का लगा के फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म को फिल करें। और अगर आपका इन 8 डेज में फॉर्म भर सकता है, आपका जब तक फॉर्म भरेगा तब तक आपका सेंट्रल का बन सकता है, तो उसको बनाकर आप एकदम से फॉर्म को तब फिल करिएगा। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी तरीके से बन ही नहीं सकता है और मैं अपना फॉर्म ना भरूं जस्ट बिकॉज दिस, तो ऐसा ना करें। आप अपना फॉर्म भरें और एग्जाम को दें। आगे जब भी आप इस सर्टिफिकेट को यूज करेंगे उस समय आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो तब तक आपके हाथ में वैसे भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट जरूर होगा। सो इतनी सी बात थी गाइस, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज को लेके और बहुत सारे लोग इस वजह से फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, तो आप प्लीज फॉर्म भरें। और आपको इसमें किसी की भी चीज की कॉपी जो है वो एनटीए को भेजनी भी नहीं है। एनटीए का किसी भी तरीके का कॉपी आपको, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी सारी चीजें हैं ये, इसमें से कोई भी कॉपी आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, किसी भी तरह की कॉपी आपको वहां पे नहीं भेजनी है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है,
क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आपको क्या क्या लेके जाना है, तो उसमें भी यहाँ पे आप जब तक आपका नेम चेंज नहीं होता है तब तक आपको किसी भी तरह के सर्टिफिकेट को लेके जाने की जरूरत नहीं है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ आपकी इस प्रॉब्लम में, और इसके अलावा भी कोई इशू है तो आप प्लीज मुझे जरूर लिखें, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।